हेलो एवरीवन, एएमयू 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा एंट्रेंस का एग्ज़ाम कंबाइंड एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। 2022 का पेपर आज था और पेपर हो चुका है। आज मेरे पास सेट ए है और सेट बी नहीं है, सेट ए मेरे पास है और सेट बी जैसे ही आ जाता है मैं उसका आंसर की आपको बना के अपलोड कर दूंगा। लेकिन मैंने सेट ए का एनालिसिस कर लिया है और सेट ए का एनालिसिस करने के बाद आप अगर देखेंगे और फिजिक्स का पहले हम एनालिसिस कर लेते हैं, देन हम केमिस्ट्री और उसके बाद बायो का भी देख लेंगे। उसके बाद मैथ्स के पेपर को हम देखते हैं कि पेपर किस तरीके से पैटर्न पिछले साल और उसके पहले साल से किस तरीके से डिफरेंट है या फिर सेम है, लेवल क्या लेवल है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक जो भी स्टूडेंट्स चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। और जो इसका आंसर की है, सेट ए और सेट बी दोनों का आंसर की 4 से 5 बजे तक हम अपलोड कर देंगे, तो वहां से आप मैच कर लेंगे कि आपके कितने आंसर्स आ रहे हैं। ऑफिशियल आंसर की कल आ जाएगा, अगर कल नहीं आया तो परसों आ जाता है, क्योंकि 2 दिन के अंदर ऑफिशियल आंसर की आ जाता है। ठीक है, तो एक बार आप मेरे आंसर की से मैच कर सकते हैं, उसके बाद जब ऑफिशियल आंसर की आ जाएगा तो उससे मैच करके आप देख सकते हैं। तो अभी हम इस वीडियो में कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है इस साल और पिछले साल कितना कट ऑफ गया था और उसके पहले 2020 में कट ऑफ कितना गया था। 2-3 साल का हम कट ऑफ एनालिसिस भी करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पेपर देखा जाए फिजिक्स का पेपर, तो फिजिक्स का पेपर जो है और अगर देखा जाए तो पिछले साल और उसके पिछले साल यानी कि 2020 और 2021 और 2022 की बात करें, अगर इस 3 सालों की बात करें तो 1-2 क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लेवल हमेशा जो है ज़्यादा रहा है, तो वही लेवल इस बार भी है। अगर आप देखेंगे तो 1-2 क्वेश्चन ही ऐसा है जो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 6 कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है, हमेशा पूछा जाता रहा है। ठीक है, और अगर ये क्वेश्चन देखा जाए ये भी कॉमन है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 9 कॉमन क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 10 तो हर इंसान मतलब कम से कम 5-10 बार किए रहता है। ठीक है, इतने पार्ट्स में कट कर दिया गया, इतने पार्ट्स में कट कर दिया गया, तो कॉमन क्वेश्चन है। और एनर्जी कंज्यूम्ड बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर स्टूडेंट इसकी प्रैक्टिस किए रहता है। ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, लॉन्ग स्टेट सोलेनाइड, ये तो मतलब कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर पेपर देखा जाए फिजिक्स का, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स ड्यू टू, तो मतलब अगर देखा जाए तो पेपर का लेवल 1-2, मैं फिजिक्स का अगर देखा जाए तो 1-2 क्वेश्चन ही है जो थोड़ा सा मतलब लगता है कि हाँ लेवल है, लेकिन बाकी जो है वो क्वेश्चन ए पर्सन कैन नॉट सी डिस्टिंक्टली, ये मतलब इस तरीके के क्वेश्चन जो है कम से कम 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए रहते हैं स्टूडेंट जो पढ़ने वाले रहते हैं। मैंने भी अपने जब मैं प्रिपरेशन कराया हूँ तो मैंने भी ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन ये सब मैंने बहुत प्रैक्टिस कराया हुआ था। ठीक है, तो अगर देखा जाए पेपर का लेवल फिजिक्स का अगर देखा जाए तो ओवरऑल सेम है और पेपर एकदम अगर देखा जाए पिछले बार से कंपेरिजन किया जाए तो बिल्कुल भी टफ नहीं है फिजिक्स का पेपर। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री का पेपर कभी भी टफ रहा ही नहीं है, लेकिन इस बार 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़े से मतलब अलग है, कंपैरिजन किया जाए तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं है कि स्टूडेंट अटेम्प्ट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर देखा जाए साइंस का पेपर तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, पिछले बार के कंपेरिजन में और उसके बार के कंपेरिजन में। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ मतलब एडिशन सब्स्टिट्यूशन एडिशन, ये तो हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं मैथमेटिक्स का पेपर का लेवल कैसा रहा है, मैथमेटिक्स के पेपर का लेवल हम देख लेते हैं। ठीक है, तो अगर हम मैथ्स के पेपर की बात करें, ठीक है, तो अगर पहला क्वेश्चन की बात करें तो बहुत ज़्यादा नॉर्मल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। लार्जेस्ट पॉजिटिव इंटीजर विच डिवाइड्स, ये तो आई थिंक सारे स्टूडेंट्स कर लिए होंगे और ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है, उसके बाद दिव्या स्विमिंग स्पीड, ये तो एनसीईआरटी से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम सारे स्टूडेंट्स किए रहते हैं इसको। द वैल्यू ऑफ के, ये तो सबको पता रहता है कि अगर इंटरसेक्ट लाइन करती हैं तो एक होता है सोल्यूशन और कोइंसाइड करती हैं तो इनफाइनाइट सोल्यूशन और पैरेलल लाइंस होती हैं तो नो सोल्यूशन, तो इसका कंडीशन सबको पता रहता है, सारे स्टूडेंट्स आई थिंक इसको कर लिए होंगे। ठीक है, उसके बाद हाँ एक और बात, यहाँ पे क्वाड्रेटिक और पॉलीनोमियल से मिला करके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें। ठीक है, तो इस बार जो है आई थिंक क्वाड्रेटिक और पॉलीनोमियल मिला के 6 क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, और एपी से एक सवाल यहाँ पे है और स्ट्रेट लाइन से एक सवाल यहाँ पे है और एक सवाल यहाँ पे है। ठीक है, तो और ये भी एक यहाँ से आ गया और उसके बाद फिर ट्राइंगल चैप्टर से है क्वेश्चन। तो अगर पेपर का लेवल देखा जाए इसका मैथ्स का, ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन है जो थोड़े से अच्छे हैं, बाकी अगर देखा जाए जैसे ये क्वेश्चन है थोड़ा सा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 74 हो गया, 73 हो गया। ठीक है, 74 तो ये
हर ये 76 ये हर स्टूडेंट कर लिया होगा आई थिंक, क्योंकि ये एनसीईआरटी से मिलता जुलता सवाल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, पीवाईक्यू में आया हुआ है, आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो पेपर बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है पिछले बार के कंपैरिजन में। तो अब हम कट ऑफ की बात कर लेते हैं कि कट ऑफ कितना जा सकता है इस साल 2022 के लिए, कट ऑफ कितना जा सकता है। देखो 2020 में जो कट ऑफ गया था वो अराउंड 54 गया था कट ऑफ, ठीक है, 54.5 या 55 मान सकते हैं 2020 में, ठीक है। लेकिन 2021 में कट ऑफ थोड़ा सा लो गया है, ठीक है, 2021 में कट ऑफ अभी जो हुआ था, क्योंकि 56 मार्क्स पे 56 या 57 मार्क्स पे एक स्टूडेंट की जो रैंक बनी थी वो अराउंड 400 के अबाउट बनी थी, और उसके मार्क्स थे अबाउट 57 या 58 मार्क्स थे, ठीक है। तो अगर हम अब हम बात करें कि 2021 में जो कट ऑफ गया था वो आई थिंक देखो एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता पाता है, ठीक है, स्टूडेंट के ही हिसाब से सब हर कोई बताता है कि स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया, ठीक है। तो अगर देखा जाए जो सिलेक्टेड लिस्ट में अगर किसी के मार्क्स 52 थे तो उसका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में था, 52 मार्क्स वाले का सिलेक्टेड लिस्ट में था, ठीक है। लेकिन अगर अब हम बात करें वेटिंग में, तो वेटिंग देखो वेटिंग अराउंड जो है लास्ट ईयर 2021 में अराउंड 35-40 वेटिंग क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो वेटिंग में भी कुछ स्टूडेंट्स के क्लियर हो, तो हो सकता है कि जो अगर कट ऑफ जो है वेटिंग में जाकर के हो सकता है 50 हो गया हो, क्योंकि वेटिंग में जो है वो पता नहीं चल पाता है कि कितने स्टूडेंट्स की वेटिंग क्लियर हुई है, क्योंकि इस साल जहां तक मुझे लगता है कि 40-50 वेटिंग क्लियर हुई है, अराउंड 100 भी जा सकता है, लेकिन 35-40 तो श्योर है कि इतनी वेटिंग क्लियर हुई है, ठीक है। तो और अब हम बात करें कि इस साल कितना कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा कि अगर किसी स्टूडेंट के 55 प्लस आ रहे हैं, किसी स्टूडेंट के 55 प्लस आ रहे हैं एक्सटर्नल स्टूडेंट के, ठीक है, तो उसको फिर उसको कोई डर नहीं है, उसका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में 100% आ जाएगा जिसके मार्क्स 55 प्लस है एक्सटर्नल स्टूडेंट के, ठीक है। और अगर इंटरनल स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो अगर इंटरनल स्टूडेंट के मार्क्स अगर 43 या 44 है इंटरनल स्टूडेंट के, ठीक है, या 42 भी है तो भी उसके नाम सेलेक्टेड लिस्ट में आ जाएंगे, ठीक है। यानी कि अगर 55 है तो उसका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में आ जाएगा, और इंटरनल स्टूडेंट है तो 42-43 पे उसका नाम सेलेक्टेड लिस्ट में आ सकता है, ठीक है। लेकिन अब अगर हम बात करें कि 52 और 53 वाले स्टूडेंट्स का क्या हो जाएगा, या 50 मार्क्स वाले का क्या हो जाएगा, ठीक है, तो 52-53 वाले का भी नाम आ सकता है, हम ऐसा नहीं डिनाई नहीं कर रहे हैं कि नहीं आ सकता, ठीक है। जो 50 प्लस है, जो 50 प्लस वाले स्टूडेंट है उनका नाम आने का बहुत ज़्यादा चांस है, 50 प्लस वाले स्टूडेंट का नाम सिलेक्टेड लिस्ट में आ सकता है, या फिर अगर वेटिंग में भी आए तो क्लियर होने का चांस है। ऐसे ही इंटरनल स्टूडेंट का, अगर इंटरनल स्टूडेंट का मार्क्स अगर 38 प्लस है तो उसके नाम आने के चांसेज हैं, उसके नाम आ सकते हैं वेटिंग लिस्ट में, अगर मान लो आया, या सिलेक्टेड में भी आने का चांस है और वेटिंग में भी आया तो क्लियर होने का चांस रहेगा, ठीक है। लेकिन अब अगर ओवरऑल बात की जाए कि अगर इस पे भी नहीं होता है स्टूडेंट्स और आपको सिलेक्शन नहीं मिल पाता है, तो फिर आपके पास एक और चांस रहता है, वो चांस है सेल्फ फाइनेंस का। अगर आपके आप एक्सटर्नल हैं और आपके मार्क्स अगर 45 प्लस हैं या 44 प्लस हैं या फिर 40 के ऊपर है तो भी आपको सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन का मौका मिलता है, और सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म अभी जो एडमिशन रेगुलर एडमिशन कंप्लीट हो जाता है उसके बाद आता है, तो उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, सेल्फ फाइनेंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। इंटरनल का तो अराउंड 25-20 मार्क्स पे भी हो जाता है, लेकिन अगर एक्सटर्नल की बात करें तो 40 प्लस 45 प्लस पे रहता है तो ही होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि मैं सेल्फ फाइनेंस पे वीडियो आपको बताऊंगा डिटेल में, और जो भी स्टूडेंट 40 प्लस वाले हैं उनके लिए एक चांस रहेगा सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन का। लेकिन अभी जो भी स्टूडेंट 55 प्लस एक्सटर्नल आ रहे हैं उनके लिए तो 100% चांस है कि उनका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में रहेगा। लेकिन अगर किसी का 60 प्लस है और 65 प्लस है तो फिर तो समझ ही सकते हैं आप, उनकी उनका कोई 1% भी नहीं ऐसा है कि नहीं आ सकता नाम, यानी कि उनका 100 से भी ज़्यादा चांसेस है कि उसका नाम सिलेक्टेड लिस्ट में रहेगा, ठीक है। तो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।